अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद महपारा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज बनेगा फ्रेंड्स सुपर इजी गाजर का हलवा, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कुकिंग पॉट में ऐड कर देंगे कद्दूकश की हुई गाजरों को, और 1 kg हमने गाजरें ली हैं हलवा बनाने के लिए। और फ्लेम को हम साथ ही में ऑन कर देंगे। इस तरह हम गाजरों को अच्छे से फैला देंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दूध, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम 2 से 3 मिनट के लिए गाजरों को पका लेंगे दूध के साथ। और अपनी फैमिली के हिसाब से फ्रेंड्स आप जो गाजरों की जो मिकदार है इसे बढ़ा भी सकते हैं। 1 कप चीनी शामिल कर देंगे। आप चीनी का जो इस्तेमाल है अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी की जो मिकदार है इसे बढ़ा भी सकते हैं। और बस चीनी डालकर अब हम इसे 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। चीनी यहाँ पर अच्छे से हल हो चुकी है गाजरों में, और अब हम इन्हें कवर करके पका लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम से स्लो फ्लेम पर। यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ ड्राई मेवे, इन्हें अब हम घी में डालकर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पर स्लो रखा हुआ है, और अगर आपने फ्लेम हाई कर दी फ्रेंड्स तो ये जल जाएंगे, काले स्याह हो जाएंगे। बस हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मेवे यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, और बस हम इन्हें एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे। और साथ में हम चेक कर लेते हैं जो हमने गाजरों को पकने के लिए रखा हुआ था स्लो फ्लेम पर, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। फ्लेम को हाई करके इसमें जो पानी रह गया है इसे हम ड्राई कर लेंगे। और गाजरें इसमें अच्छे से गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं, और इस तरह से हम इसे मैश करते जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स के जो पानी है इसमें अच्छे से ड्राई हो चुका है, गाजरें इसमें अच्छे से गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम रखना है, और अब हम इसमें घी ऐड कर देंगे, और हम गाजरों को घी के साथ अच्छे से पका लेंगे। एक अच्छी सी हम इसकी भुनाई कर लेंगे। साथ में हम ऐड कर देंगे सब्ज इलायचियों का पाउडर 1 टीस्पून, इसे भी डालकर हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और गाजरों को अब हम अच्छे से भून लेंगे घी के साथ मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर हमें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं गाजरों की अच्छी सी भुनाई करते हुए, और अब हम हलवे में शामिल कर देंगे घी रोस्ट किए हुए मेवे। मिक्स कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। अब हम हलवे को ऐसे ही पका लेंगे। यहाँ पर झटपट गाजर का हलवा फ्रेंड्स बनकर रेडी हो चुका है। गार्निश कर लेंगे खोए के साथ और ड्राई नट्स के साथ जो हमने पहले से ही रोस्ट कर लिए थे। तो है ना फ्रेंड्स सुपर इजी मज़ेदार सा ये गाजर का हलवा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये हलवा तो ज़रूर पसंद आएगा। सर्दियाँ भी आने वाली हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ज़बरदस्त से हलवे को। अगर रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको खाकर भी बता देती हूँ ये कितना ज़बरदस्त और टेस्टी बना है। आप देख सकते हैं कि एकदम दानेदार, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना रखिएगा आप बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।